मध्य प्रदेश में बीते दिनों बारिश होती है, बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होती है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। नुकसान होता है और नुकसान होने के बाद चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसके बाद होती है राजनीति शुरू। मध्य प्रदेश में बारिश के ऊपर भी राजनीति हो रही है, इस बारे में आज की खबरिया में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों से खबर आ रही है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। 18 तारीख को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, मध्य प्रदेश में शुक्रवार की रात एक नया पेपर और लीक हो जाता है। जैसे ही उनके आरोपियों को पकड़ा जाता है, खबर दमोह से आती है कि दमोह में एक क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। जैसे ही दमोह के आरोपी को पकड़ने पुलिस पहुंचती है, उससे पहले खबर आती है कि मुरैना में एक 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। मतलब मध्य प्रदेश के लगभग 8 से 10 जिलों में परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक बात है। जितने लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं, वो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर रखे हैं, जहां पर फोन पे या UPI का इस्तेमाल करके उनको पेमेंट किया जाता है और पेमेंट के बाद वो उस ग्रुप में एक्सेस देते हैं और उस एक्सेस पाने के बाद विद्यार्थियों के सामने क्वेश्चन पेपर रहता है। इसी के साथ ही इन क्वेश्चन पेपर्स की कीमत 500 रुपए से 2000 रुपए के बीच बताई जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पहले तो ये स्वीकार करने से ही मना कर दिया था कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने विपक्ष ने सारे के सारे तथ्य रखे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जांच होनी जरूरी है और फिर उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन अब उनका कहना है कि ये पेपर लीक है या फिर इसे गोपनीयता भंग कहना कहेंगे। इस खबर को शुरू करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट सुनाएंगे जो कि इंदौर की विशेष कोर्ट ने दिया है। हर बार मर्द गलत हो ये जरूरी नहीं, इसी तरह पॉक्सो एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी होगा ऐसा नहीं है। इस एक्ट के तहत महिला या लड़की भी उतनी सजा की हकदार है जितना कि कोई दोषी पुरुष होता है। ये टिप्पणी इंदौर की विशेष अदालत द्वारा दी गई है, जहां पर मध्य प्रदेश में पहली बार किसी महिला को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये बयान है इंदौर की विशेष अदालत का, जहां पर मध्य प्रदेश में पहली बार किसी महिला को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। असल में एक महिला ने आज से 5 साल पहले मतलब 2018 में अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के को किडनैप कर लिया था। किडनैप करने के बाद वो महिला उस लड़के को इंदौर से गुजरात ले गई, जहां पर पहले तो उससे बाल श्रम कराया और फिर उसका कई बार शारीरिक शोषण करवाया। जिसके बाद जैसे ही घर में परिचितों को पता लगा कि इस प्रकार का मामला है, तो उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद उस बच्चे को लेकर आए, जब आज से 5 साल पहले उस युवक की उम्र 15 वर्ष थी। जैसे ही नाबालिग एक रात अपने घर से लापता रहा, वैसे ही माता पिता ने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद जैसे ही जांच पड़ताल शुरू हुई और लड़के का पता लगा, तो उस लड़के और उस युवती को गुजरात से इंदौर वापस लेकर आए। जब युवक से पूछताछ हुई तो युवक ने सारी बातें सारी कहानी पुलिस प्रशासन के सामने रख दी। तब से ये मामला इंदौर की विशेष अदालत में चल रहा था, लेकिन इस पर भी कई बार युवती ने लड़के को मतलब जो उस समय नाबालिग था उसे गलत घोषित करने के भरसक प्रयास किए। वो मुझे जबरदस्ती इंदौर से गुजरात लेकर गया था, लेकिन जैसे ही मेडिकल टेस्ट हुए तो सारी बातें सामने आ गईं। अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जाकर युवकों के चेहरे पर हल्की सी चमक और डर की मात्रा कम नजर आएगी।
मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग 35,000 किसानों की 40,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओला प्रभावित क्षेत्रों में आज अपना दौरा कर रहे हैं। साथ ही विदिशा और सागर जाकर उन्होंने किसानों से कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। किसान की आंखों में आंसू है, मेहनत तो गई लेकिन खाद बीज कीटनाशक उन सब का खर्चा और अगला साल कैसा चले इसकी चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाऊं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि किसानों के कर्ज की वसूली अभी ना की जाए, साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना का भी पूरा लाभ मिलेगा और अगले साल जब किसानों को ऋण दिया जाएगा तो वो 0% ब्याज के साथ दिया जाएगा। और भी कई सारी पॉलिसी बनाई जाएंगी जो कि किसान के हित में होंगी। अब आगे बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिलों में 22 लोगों की बिजली गिरने की वजह से मृत्यु हो गई है, मतलब आकाशीय बिजली की वजह से उनकी मौत हो गई है, साथ ही उनको भी आगे मुआवजा देने की बात की गई है। अब यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में ओले पर राजनीति शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो कहते हैं कि किसानों के सर्वे की तुरंत व्यवस्था की जाए, अभी तक सर्वे टीम उनके खेत पर पहुंची नहीं है, साथ ही ये मांग करता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन जब इस विषय को विधानसभा में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठे आंसू बहाती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा आज वॉकआउट किया गया। पहला कारण मध्य प्रदेश में हुई ओलावृष्टि की वजह से किसान प्रभावित और दूसरा कारण मध्य प्रदेश में परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।